हाय गाइस, दिस इज मी रिज़मा नवाल और आज मेरे साथ ये छोटा सा जो बच्चा है ना, ये कौन है, ये अपना इंट्रोडक्शन अभी देने वाला है। लेकिन आप मुझे तो जानते हैं, पहले सबसे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटा सा जो बच्चा है ना, ये है मेकअप एक्सपर्ट। जब आप अभी इसकी बातें सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये इतना नॉलेज कैसे इसके पास है कि इतना ज़बरदस्त किस्म का, मतलब लड़कियां तो इस चीज़ के बारे में जानती हैं पर लड़का कैसे जान सकता है, तो वो इतना नॉलेज इसको कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो ये खुद ही बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है। मेरा नाम नजर शाह है, आप मुझे इंस्टाग्राम और प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। और मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ, स्किन केयर प्रोफेशनल भी हूँ और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मैं काफ़ी टाइम से इन हूँ। और ये हमें आज बताने वाले हैं यानी कि समर सीजन में कौन सी बेस परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए। तमाम जितनी भी टाइप्स ऑफ स्किन्स हैं ना, उनके लिए हमें रिकमेंड करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेसिस। और आप लोगों ने ये सेशन देखने के बाद हमें ज़रूर फीडबैक देना है कि आप चाहते हैं कि इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से हम लोग रिव्यूज़ दें और आपको डेमोज दें और आपको बताएं कि ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या हैं। और इन एक्सपर्ट्स के साथ जब हम लोग प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे तो वो बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो नजफ आप क्या सजेस्ट करते हैं? और बेसिकली आप लोगों ने हमें ये भी बताना है कि आगे हम आगे की वीडियोस में आपके लिए क्या क्या चीज़ें लाएं, क्या क्या दिखाएं आप लोग, क्या क्या डेमोस दें फुल ये क्या क्या चीज़ की आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, या स्किन केयर की रिलेटेड से भी आप लोगों ने देखा उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, वन बाय वन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बताएंगे। इसके अलावा आपने हमें कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि हम अंदाजा हो जाए कि आप लोग किस चीज़ में देखने में इंटरेस्टेड हो। हमारे पास बेसिकली ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। ठीक है, और हाई कवरेज में आपको मेकअप लाइक फाउंडेशन मिल जाएगी काफ़ी सारे हाई कवरेज में, और आपको लिपस्टिक सेशन मैंने बहुत मुश्किल से सारा लिपस्टिक सेशन भी मैंने सेट किया। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए भी एक ही दिन में हम सारा वीडियो बना देंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी कौन सी चीज़ है, वो काफ़ी लंबी वीडियो भी हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा है कि हम हर फाउंडेशन चीज़ को, हाँ आज का सेशन हमारा फाउंडेशन के ऊपर है क्योंकि मेकअप की सबसे बेसिक चीज़ ही फाउंडेशन है और वो हर एक को जाहिर है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन वो क्या स्किन टोन होनी चाहिए, कौन सा आपके लिए सूटेबल है, वो सब कुछ तो हमें नजफ बताएगा। लेकिन नजफ, आपने ये सारा नॉलेज कहाँ से लिया, पहले आप तो ये बताएं। नॉलेज मुझे ऐसी ऐसे लड़कियां पसंद है, नहीं मेकअप पसंद है, लड़कियां पसंद है, लड़कियों की साइकी पसंद है, उनको समझना पसंद है क्या चीज़। ऑल आई कैन से इज गूगल। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स से सीख के, मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं प्रॉपर ली हुई, बट मैंने लाइक गूगल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे ले लेके कुछ मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इंटरेस्ट था मेकअप में, यू कैन से। हाँ, और ये फ्यूचर में अपना एक सैलून भी बनाएंगे इंशाल्लाह और हम सब इनके सैलून में जाएंगे अच्छा अच्छा खूबसूरत सा मेकअप करवाने के लिए। और चले आए पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह ये जरूर एक दिन एक ब्रांड बन जाएगा, ये बच्चा एक ब्रांड बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, फाउंडेशन से पहले प्राइम करना चाहिए आप लोगों को, नॉट टू प्राइम इज अ प्राइम कैंडिडेट। ठीक है, मैं फाउंडेशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी स्किन टाइप का बताना चाहिए कि आप लोगों की स्किन टाइप किस टाइप की है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या एक्नी प्रोन स्किन है। ठीक है, और बेसिकली जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उनकी बेसिकली ऑयली ही होती है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने पहले स्किन टाइप का देखना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप है किस टाइप की। ठीक है, आई एम बेसिकली ऑयली, आप किस टाइप की स्किन टाइप की? मेरी नॉर्मल है। ठीक है, तो मेरी समर सीजन में तो सुपर ऑयली हो जाती है और वैसे भी विंटर में भी ऑयली ही रहती है, तो आई एम ऑयली पर्सन, तो ऑयली पर्सन, ऑयली स्किन टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फाउंडेशन शो कराऊंगा, नास न्यूड फाउंडेशन फाउंडेशन। ठीक है, आई एम गोना शो द पैकेजिंग ऑफ इट, दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स। ये नास की न्यूड एल्यूशन फाउंडेशन है, इट इज परफेक्ट, इट्स इंग्रीडियंट जिसमें आपको मिलेगा रिंग लाइट। ठीक है, वॉट बेसिकली रिंग लाइट इज, इस इंग्रीडियंट्स में ये मतलब है कि अगर आपको लाइटिंग में जो इफेक्ट मिलता है ना, अक्सर हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं और हमारे पिक्चर्स एक वाइटनिंग इफेक्ट आया होता है कि सारे पिक्चर्स में कहते हैं इसका मेकअप कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, मेकअप बेसिकली सब करते हैं ये कि पिक्चर्स अच्छी हैं। ठीक है, पिक्चर्स क्लिक कर लें। ठीक है, इस फाउंडेशन में आपको राइट लिंक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन भी मिलेगा। ठीक है, और इसकी प्राइस आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगी। वैसे मैं इसकी सेल करता हूँ, लेकिन ये देखिए 2200-2300 की सेल करता हूँ, आज की लाइव सेशन में आपको ओनली मिलेगी 1500। और आज ये जितनी भी प्राइस रेट्स हैं ये सिर्फ मेरी वजह से हैं, क्योंकि मेरा आप सब जानते हैं कि चैनल प्री लव के हवाले से है उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो प्री लव ड्रेसेस मतलब चाहते हैं कि हमें ब्रांडेड बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स में मिले। इसी तरह से ये प्री लव मेकअप नहीं है, ये न्यू है, आपको ओरिजिनल है, ब्रांडेड मेकअप है, लेकिन रिक्वेस्ट क्योंकि रमज़ान है और हम लोग आप लोगों के लिए डील्स लाए हैं आप लोगों को, इसलिए ये इतने डिस्काउंटेड नहीं बल्कि चीपेस्ट रेट्स में मिल रहे हैं और ये ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग को तकरीबन 85-100 रुपीज़ की फाउंडेशन मिलती है। ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नास्ट न्यूज एलुशन फाउंडेशन जो कि नास्ट की न्यू एलुशन फाउंडेशन है ये वाली इस टाइप किसी ग्लास बॉटल मिलेगी इसमें आपको इसमें आपको इस तरह की ग्लास बॉटल मिलेगी इसकी कवरेज हाई कवरेज है और ये नो मास्क इफेक्ट फाउंडेशन है बट बेसिकली दैट मीन्स कि आपको फेकीनेस नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ लाइक बिल्कुल आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने ये कोई बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा ली ये बिल्कुल स्किन में मेल्ट ऐसे मेल्ट होती है कि मज़ा आ जाता है इसको देख के इतनी मज़े की न्यू एलुशन फाउंडेशन है इट इज़ परफेक्ट और ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती है वैसे तो बट ये रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती है मेरे हिसाब से ठीक है देन आपको मिलेगी एक वीसी की डर्मा ब्लेंड फाउंडेशन है दिस इज डर्मा ब्लेंड फाउंडेशन या आप इजीली इससे आप किसी भी आपको ना नो नीड ऑफ एनी ब्यूटी ब्लेंडर नो नीड ऑफ एनी स्पंज यू कैन इजीली जस्ट ब्लेंड दिस विद योर हैंड इसमें आपको एसपीएफ 35 भी मिलेगा जो आपको सन प्रोटेक्शन भी देगा आगे समर सीजन आ रहा है इट्स ऑयल फ्री एंड इट्स रियली 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 परफेक्ट एंड इट्स मेड इन फ्रांस ठीक है थोड़ा सा डेमो भी दे दें कि हाथ पे अप्लाई करके दिखाएं कि क्या शेड और ये है इसमें शेड्स और मिल जाएंगे ठीक है शेड्स डेफिनेटली फाउंडेशन के तो होने ही चाहिए जाहिर है जिस तरह की आपकी स्किन टोन है उस हवाले से ही आपको फाउंडेशन चाहिए जी बिल्कुल कुछ लड़कियां नजफ इस तरह करती हैं कि अगर वो थोड़ी ब्लैकिश टोन है उनकी तो वो बहुत ज्यादा फेयर टोन में और वो बहुत ऑड लगता है आपके लिए बेस के लिए हमेशा पहले याद रखिएगा कि अपनी स्किन टोन के हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट करना होता है ये बहुत जरूरी चीज है अब देखिए मैंने कोई ब्यूटी स्पंज नहीं कुछ नहीं यूज किया उसकी कवरेज चेक करें आप जरा ये साइड चेक कर ले ये साइड चेक कर ले वाओ अमेजिंग ठीक है अच्छा जी ये प्रोडक्ट सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे हमारे पास ये मार्केट से आप लेने जाओगे 5000 तक की मिलेगी मेरे से आपको इतने रीजनेबल प्राइस में मिलेगी कि हाफ से भी कम रीजनेबल प्राइस में मिलेगी ठीक है सो इट्स रियली रियली चीप और ये भी मिल जाएगी आपको परफेक्ट है ठीक है इसके बाद हमारे पास सुपर अल्ट्रा एचडी फाउंडेशन भी है ठीक है जो आपको अल्ट्रा इफेक्ट देगी आपकी स्किन में ठीक है ये भी बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है बहुत ही परफेक्ट किस्म की इसकी फिनिश है कि अल्ट्रा एचडी आपको ना इनविजिबल कवर फाउंडेशन देगी वर दैट बेसिकली मीन्स इज कि एक आपको होता है ना हाई कवरेज फाउंडेशन होती हैं ये भी हाई कवरेज है बट ये साथ ही साथ आपकी स्किन में ऐसे मेल्ट होगी कि इनविजिबल इफेक्ट देगा आपको बिल्कुल ठीक है बिल्कुल नेचुरल टाइप की होती है इट्स परफेक्ट देन आपको हाई कवरेज सुपर सुपर हाई कवरेज फाउंडेशन आपको ये दिखाता हूँ इस विद प्राइमर एंड फाउंडेशन दोनों इसमें चीज़ें अवेलेबल है विद एसपीएफ 25 ठीक है इसमें आपको प्राइमर भी मिलेगा सनस्क्रीन भी मिलेगी इसका मैं कोई ओपन पीस करके आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग बिल्कुल वायस जैसी पैकेजिंग है इसकी लाइक बहुत ही लाइक लग्जरी पैकेजिंग है इस तरह करेंगे ओपन हो जाएगी इस तरह करेंगे लॉक हो जाएगी इट्स परफेक्ट इसमें भी आपको काफ़ी सारे शेड्स मिलेंगे ठीक है इसके बाद जो मैं फाउंडेशन दिखा रहा हूँ ना सबको उसके बारे में पता होगा डेफिनेटली लेकिन जब मैं इसकी प्राइस बताऊंगा ना तो सब उसको इससे इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे ठीक है वी हैव द डायोर बैकस्टेज फाउंडेशन इट्स सो सुपर 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 एक्सपेंसिव ये मिलती है आपको ठीक है और फेस एंड बॉडी फाउंडेशन है डायोर की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग और बेस्ट फाउंडेशन इनमें दिस इज़ द बार कोड दिस इज़ द क्यूआर कोड स्कैन ठीक है डायोर का ओरिजिनल क्यूआर कोड स्कैन है ठीक है एंड आई एम गोना शो यू दिस फाउंडेशन इसमें भी आपको काफ़ी शेड्स मिल जाएंगी दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द डायोर ये कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ ये बाकायदा प्रिंट हुआ है इस पर ठीक है मैं उसको थोड़ा सा लाइक दे देता हूँ फुल फिल्ड है दिखने में इतना जबरदस्त और क्रीमी सा लग रहा है कि अप्लाई करने के बाद आई एम सो एक्साइटेड वाओ अमेजिंग रिजल्ट्स ये ना सुपर 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 कवरेज फाउंडेशन नो डाउट अमेजिंग और ये ब्लेंड नहीं की ब्लेंड नहीं होंगी लाइक इसके लिए आपको एक डॉट भी आपके लिए ज्यादा है ये इस टाइप की फेस एंड बॉडी फाउंडेशन है बाहर की लाइक रेड कारपेट इवेंट्स में मॉडल्स ये बेसिकली सारे मॉडल्स पे यही फाउंडेशन यूज होता है अमेजिंग रिजल्ट्स दोनों हाथ ये देखिए और बहुत ज़्यादा नेचुरल है बहुत ज़्यादा परफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई कवरेज इट्स रियली 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 ग्रेट जिसको पता है ना इस चीज़ का वो इस चीज़ को मिस नहीं करेगा बिल्कुल भी ठीक है एग्जैक्टली आपने क्या बताई इसकी प्राइस इसकी प्राइस आपको ऑनली मिलेगी 1250 अनबिलीवेबल प्राइसेस फाउंडेशन और ये मार्केट में क्या मिलती है इसकी मार्केट में इसकी प्राइस इसकी वैसे जो प्राइस है ना $50 है $50 को अगर आप कन्वर्ट करो तो वो ऑलमोस्ट लाइक बन जाते हैं काफ़ी 7000 समथिंग बन जाते हैं विदाउट शिपिंग और अगर आप शिप करके मैं मतलब ये 10000 की आपको पड़ने वाली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो फिर हमारे व्यूअर्स पूछते हैं तो वो यही पूछेंगे कि ये इतनी लेस पे आप क्यों दे रहे हैं बिल्कुल मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं कस्टमर्स को लो से लो रेट पे दूँ ठीक है पाकिस्तान पे बहुत 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 टैक्सेस लगते हैं मेरा सामान जो आता है उसमें कभी कभार होता है कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स निकल आते हैं तो उसी में से एक पीस है और ये एक ही पीस पड़ा है मेरे पास शायद कोई और प्रोडक्ट्स में से कुछ और चीज़ें निकलें तो और निकलेंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा अभी मेरे पास इसके 2-3 पीस ही निकले थे ठीक है देन बेसिकली मेरे पास कुछ आई शेडो प्राइमर्स भी हैं मैक्स एंड मोर के
ये भी आप चेक कर सकते हो। कंसीलर्स भी मैं कुछ जो शो कराता हूँ, कंसीलर्स भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे समर सीजन आ रहा है और सबका प्रॉब्लम होता है कि ऑयल बहुत निकलता है स्किन से। ऑयल फ्री बेस भी बताएं। हाँ जी, ऑयल फ्री बेस, बस जितनी सारी ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है और ऑयल फ्री है, ठीक है। वाटर लाइटनिंग क्रीम भी मिलेगी जो अभी आपने अप्लाई की, आपने इनकी स्टार्टिंग वीडियो में देखा था इनका फेस की फाउंडेशन जो थी वो यही थी, ये बीबी वाटर लाइटनिंग फाउंडेशन है विद SPF 30 एंड PA++, ठीक है। इस बेसिकली व्हाट इज मीन, इट विल गिव यू द लाइटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑन योर फेस विद सनस्क्रीन एज वेल, जबकि स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा और साथ ही साथ आपको कवरेज भी देगा, ठीक है। इट्स परफेक्ट, ये वाले फाउंडेशन आपको मिल जाएंगे। कंसीलर्स के आते हैं, मेरे पास मिनरल टच के कंसीलर्स पड़े हुए हैं। आई हैव द शेड स्कारलेट एंड आई हैव ऑल्सो द शेड टीफा, ठीक है। ये वाले दो शेड्स हैं, मैं इसको कोई टेस्टर पीस देके आपको शो करा देता हूँ। दिस वाज द फाउंडेशन, ये आगे हमारे पास टेस्टर पीस, ये नहीं कि जो मैं आपको शो करा रहा हूँ आपको ये उठा उठा के दे दूंगा। टेस्टर्स अलग है, नहीं आपको बताना जरूरी है ना। हाँ जी, और आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना नॉलेज मिला है इस सेशन के बाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, सेशन और लाएं, और लाएं। आप चाहेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से आप लोगों को इसी तरह से गाइड किया जाए, ट्यूटोरियल्स अगर आप कहेंगे तो हम वो भी लेकर आएंगे। एग्जैक्टली, हम वो आपके लिए लेकर आएंगे। ये देखिए कितना स्मूथली ब्लेंड हो गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो ऊपर आपको बेल आइकन नजर आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा कॉम्पैक्ट्स की तरफ। मेरे पास बना एक मैक का ये बेस भी है, ठीक है। मैक का लिटिल थिंग्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर किसी की ड्राई स्किन टाइप है तो उसके लिए HD मॉस कंसिस्टेंसी में फाउंडेशन, इधर थिक कंसिस्टेंसी होती है तो ड्राई स्किन के लिए मोर परफेक्ट, ठीक है। तो जो ऑयली स्किन होती है उनके लिए थिन लेयर वाली फाउंडेशन ज़्यादा बेस्ट रहती है, ठीक है। देन मेरे पास एक ये फाउंडेशन भी है, ठीक है। ये मैं फाउंडेशन की रेंज बता रहा हूँ, मेरे को बहुत फाउंडेशन है, ठीक है। और जो जो चीज़ ड्यूप होगी ना, मैं फिर आपको बाद में जो जो इंटरेस्टेड होगा बाय करने में मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक आज के सेशन के लिए हमारे लिए, क्योंकि इस तरह लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आज हम सिर्फ बेस के ऊपर करें ताकि उन्हें पता चल जाए उनकी स्किन टोन के लिए कौन सी बेस परफेक्ट है। उसके बाद हम एक दिन लिपस्टिक के ऊपर करेंगे, एक दिन हम लोग प्राइमर्स के ऊपर करेंगे। इसी तरह अलग अलग से सेशन जो है इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। फाउंडेशन 3-in-1 फाउंडेशन है, ठीक है। इसमें आपको स्पेक्ट्रम 25 भी मिलेगा, ठीक है। और इसका शेड फेस स्किन टोन शेड है, इसका बारकोड ये है और ये मेड इन यूएस है। अच्छा, मुझे नजफ एक बात बता दें कि जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें क्या चीज देख के परचेज करना चाहिए प्रोडक्ट? बेसिकली उनको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर बेसिकली ना फाउंडेशन के ऊपर लिखा होता है। मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ, मैं कुछ दो दे देता हूँ। ये देखें, फाउंडेशन पे लिखा होता है बेसिकली फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ये किसी पे लिखा होता है। नहीं, लिखा हुआ तो होता है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब कि वैसे क्या चीज़ परफेक्ट रहती है उस चीज़ के लिए? जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ वो प्रोडक्ट वही चीज़ आपको वही फिनिशिंग देगी, जरूरी नहीं है। जिस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक टाइप की कंसिस्टेंसी होती है ना, ड्राई स्किन के लिए वो जाए, लाइक थोड़ी थिक टाइप की कंसिस्टेंसी में जो फाउंडेशन होते हैं आप ड्राई स्किन के लिए वो जाए, और जो ऑयली स्किन टाइप्स के होते हैं वो लिक्विड फाउंडेशन के थ्रू जाएँ, और जो स्टिक फाउंडेशन होती है वो ड्राई स्किन वालों के लिए मोस्ट परफेक्ट होती है। बिकॉज क्योंकि जो ऑयल फ्री कंसिस्टेंसी वाले होते हैं ना स्किन या फाउंडेशन, तो ना वो उनके लिए लाइट बेस चाहिए होती है, लाइट अमाउंट के लिए, लाइक जो आपको कवरेज भी दे और इजीली आपकी स्किन को लाइक ऑयल प्रोड्यूस हो जाए आपकी स्किन, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ऑयली ना हो, जो आप सेट ही ना करते फिर उसको, ठीक है। तो उसके लिए आप किस कोई भी ऑयल फ्री फाउंडेशन के लिए जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ऑयल फ्री वालों के लिए, वो ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। और जो ड्राई स्किन टाइप है वो मॉस टाइप की लाइक थिक कंसिस्टेंसी वाली फाउंडेशन के साथ जाएँ, ठीक है। और इसके बाद ना आपको लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सेटिंग करने में, तो आप अपने कोई भी फिक्सिंग्स ले सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसे कोई भी फिक्स करके आप पाउडर करके अपने मेकअप को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका ऑयल कम होगा, और उससे पहले आप कोई भी लाइक पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो ताकि आपको स्किन से ऑयल कम हो, या आप कोई भी लाइक एसेंस सीरम यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बताएंगे, आज हमारे पास बेसिस का है, तो इसलिए मैं इसलिए बेसिस एग्जैक्टली अभी हमारे पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, बस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली बेसिस पे आपको इन तमाम हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि इसके बेनिफिट्स क्या है और आपकी स्किन के लिए ये कितना सूटेबल है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग कुछ पैसे पे कर ही रहे हो ना मेकअप पे ऑन द फाउंडेशन एंड कंसीलर, ये टू थिंग्स ऐसी चीजें हैं जिन पर आप अपने पैसे पे करने चाहिए, और प्राइमर एज वेल, क्योंकि सबसे पहले टॉप ऑन द स्किन वाले हमारे अवेलेबल होती है कि फाउंडेशन होती है बिल्कुल हमारे लाइक स्किन के टॉप पे लेयर होती है वाली फाउंडेशन, तो इस पे लिए हमारे एक्नी हो जाती है स्किन में। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी ब्रांड को रोस्ट नहीं कर रहा इसमें, लेकिन लाइक हम काफ़ी बहुत यूज़ होती है मिस रोज, काफ़ी यूज़ होता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इससे एक्नी होती है, इसमें कुछ मुझे इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं इजीली पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन में एक्नी को कॉज कर सकते हैं, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले
वाले के लिए इट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम. आपको इससे एंटी एजिंग तो नहीं होगी, इट्स अ बेसिकली ये सारा कुछ एक स्मिथ है कि आपके ना स्किन में एंटी एजिंग हो जाती है फाउंडेशन से. बेसिकली दिस इज़ नॉट द थिंग, बट इससे आपको एक्ने जरूर हो सकती है. ठीक है, आई एम नॉट ट्रस्टिंग एनी ब्रांड्स. मे बी इट विल बी गुड वर्क फॉर सम पीपल्स, बट इससे एक्ने हो सकती है स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन. ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा गो फॉर दी एक्ने वाले. कौन से यूज कर सकते हैं? एक्ने वाले वीसी के यूज कर सकते हैं. ये ऑल स्किन टाइप है और ये ना बेसिकली बनाएगी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए. ठीक है, ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है और इसमें नो मास्क इफेक्ट है. ठीक है, इसमें नो मास्क इफेक्ट का क्या मतलब है कि एक फाउंडेशन होता है जो आप लगा लो तो पता चलता है कि इसने कुछ लगाया हुआ है. ठीक है, अगर आप ये लगाओगे लाइक कॉलेज गर्ल्स हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, तो वो ये लाइट बेस चाहिए और बिल्कुल लाइक. अच्छा, अगर हम बेस की बात करें तो ज़ाहिर है बेस से पहले अप्लाई होता है प्राइमर. वो बता दें जो तमाम स्किन जिस जो भी टाइप्स हैं उसके लिए एक प्राइमर सजेस्ट करें जो सबके लिए बेस्ट है. ठीक है, मेरे पास एक फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइमर. उसे प्राइमर से अगर आप पहले लाइक कोई सीरम लिक्विड कंसिस्टेंसी में यूज़ करना चाहते हो ना, तो आप इसको इस टाइप के लाइक एसेंस भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इट्स मल्टी फंक्शन एसेंस, चेक कर लें आप, ये भी यूज कर सकते हो. इट हैज लाइक अ पंप ऑन इन द टॉप ऑफ इट. यू कैन आल्सो यूज इट एसेंस एज अ सीरम एज अ प्राइमर बेस एज वेल. इट बेसिकली हैज हाइलोनिक एसिड, इट्स एन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इट इंप्रूव्स योर स्किन टेक्सचर एंड इट आल्सो हैज डाइमेथिकोन. डाइमेथिकोन इज लाइक द मोस्ट लाइक जबकि लाइटेस्ट फॉर्म होती है ना सिलिकॉन की, डायमेथिकॉन वो होता है. ठीक है, जबकि स्किन के पोर्स को भी कम करता है. इसकी प्राइस बता दें आपसे पहले. इसकी प्राइस की ओनली 500 रुपीज़ इसकी प्राइस. अच्छा, इनकी प्राइसेस ये नहीं है, ये मेरे चैनल पे जो कि वीडियो अपलोड होने वाली है तो ये मेरे चैनल के लिए जस्ट आपको ये डिस्काउंटेड रेट्स मिल रहे हैं. अच्छा, मुझे ये वाला भी दिखा दें, दबाव की नहीं पड़ेगी. हाँ जी, इनके बारे में बताता हूँ. बेसिकली पाकिस्तान में शायद ये किसी को इतनी चीज़ें पसंद ना हो, बट ये बेसिकली फाउंडेशन बनाएंगे फॉर समर सीजन. ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्री में इतनी यूज़ होती हैं. इसे SPF 18 ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसमें लार्ज स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको. ठीक है, ये बेसिकली फाउंडेशन मैं आपको दिखाता हूँ. ये तकरीबन 4,000-5,000 की फाउंडेशन आपको ओरिजिनल प्राइस मिलती है. दिस इज द बारकोड. ठीक है, बेसिकली व्हाट दिस फाउंडेशन है, दीज आर कलर करप्टिंग फाउंडेशन 10 फाउंडेशन. ठीक है, ये 10 फाउंडेशन है. अगर कोई किसी को टैनिंग का पता है, टैनिंग व्हाट द प्रोसेस इज टैनिंग, अगर आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा व्हाट द प्रोसेस ऑफ टैनिंग इज. तो ये बेसिकली टैनिंग फाउंडेशन है. ठीक है, टैनिंग फाउंडेशन का क्या मतलब है कि आपको ना स्किन पे जो अक्सर लोग वहाँ पे बाय लोग जाते हैं सीज वगैरह पे, तो वो लोग लगाते हैं सनस्क्रीन, भर भर के सनस्क्रीन लगाते हैं और वो लगाते हैं टैनिंग क्रीम्स. ठीक है, टैनिंग क्रीम्स के लिए आपकी टैनिंग फाउंडेशन है विच इज़ बेसिकली वेरी वेरी परफेक्ट. तो ये टैनिंग फाउंडेशन मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके शो कराता हूँ. ये देखें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक ए कलर करेक्टिंग क्रीम. ये कलर करेक्टिंग की क्रीम के तौर पे भी इसको जाना जा सकता है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कलर करेक्टिंग क्रीम. ये देखिए, मैं इसको शो कराता हूँ. बेसिकली यू कैन ऑल्सो यूज एज अ टिंटेड मॉइस्चराइजर एज वेल. ठीक है, आप देखोगे इसमें थोड़ा सा लाइक टैन इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, ये बेसिकली बनाई ही लाइक सन प्रोटेक्शन के लिए और समर सीजन के लिए, अगर आप होम बैठे हुए हो. ठीक है, और आपको पसीना तो बहुत ही नेचुरल है. हाँ, बहुत ही लाइक ये टिंटेड मॉइस्चराइजर आप डेली यूज़ कर सकते हो इसको बिल्कुल. ठीक है, इट्स परफेक्ट. इसकी प्राइस आपको मिलती है लाइक 3,000-4,000 पीस की प्राइस आपको मिलती है. मेरे से इनकी वीडियो के लिए मेरे पास में शेड्स भी और इससे थोड़ा सा लाइट भी होंगे. ठीक है, इसमें 1-2-3 शेड्स हैं. 3 शेड लाइक अगर डार्कर स्किन टोन है तो 3 शेड के लिए जाए, मीडियम स्किन टोन वाले 2 के लिए चले जाए, और जो फेयर वाले हैं वो भी 2 के लिए चले जाए. परफेक्ट है, और उसके अलावा आपको 1 में भी मिल जाएंगे. ठीक है, दीज आर द शेड्स. बेसिकली अगर समर सीजन आ रहे हैं स्पेशली फॉर ऑयली स्किन टाइप, दिस वन फॉर यू. और ड्राई स्किन वाले भी इसके लिए परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं. इस फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट है, बिकॉज हम सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत इरिटेशन हो जाती है यूज़ करके. ठीक है, तो इस फाउंडेशन की प्राइस आपको ओनली टू ओनली मिलेगी 600 रुपीज़ मिलेगी मेरी तरफ से. ठीक है, ओनली 600 रुपीज़. ठीक है, सिर्फ आज के लिए है. आज की डील में जो भी आज के दिन में जो भी कोई इसको डन करेगा उसको जस्ट उन 600 रुपीज़ में मिल जाएगी ये. और ये सिर्फ मेरे चैनल की वजह से है, क्योंकि मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि उन लोगों के लिए भी, क्योंकि मेरे प्री लव ड्रेसेस होते हैं तो वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते ब्रांडेड मेकअप, लेकिन उनको एक ख्वाहिश तो होती है ना कि हम लोग भी ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल करें, तो उनको ये तमाम जो है ना ब्रांडेड चीज़ें बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रही हैं. और आप लोगों ने हमें ये भी बताना है कि आपको और कौन कौन से प्रोडक्ट्स देखने हैं और किस किस टाइप के आपको चीज़ें देखनी, किस किस टाइप के शेड्स जो भी आपको देखना है आप हमें बता सकते हैं, किस बारे में पूछना है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी. सो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा. आप लोगों को यकीनन समझ आ चुकी होगी कि आपकी स्किन के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा यूजफुल है और क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट है. और जरूर बताना है हमें कमेंट्स में कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है, किस सेशन आपको क्या क्या चीज़ शो कराएंगे, किस चीज़ का डेमो देंगे,
क्या चीज अप्लाई, पिगमेंटेशन लाइक पहले से पिगमेंटेशन एवरीथिंग आपने हमें कमेंट्स में बताना है, लिपस्टिक्स देखने, लिप कलर्स देखने, लाइक एवरीथिंग की डिटेल हम देंगे और फुल चार्ट लेके आऊँगा मैं बिल्कुल आपको एक चीज़ की आपको डिटेल बताऊँगा ताकि आप इजीली आप सिलेक्ट कर सके कि आपको क्या चीज़ देखनी है। और नेक्स्ट सेशन में जो इसके बाद अपलोड होने वाला है उसमें आपको देंगे बेस्ट किस्म की डील्स, क्योंकि इस तरह से एक चीज़ मंगवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा मुल्क इस टाइम हम लोगों को देख रहा है, तो वो एक एक चीज़ मंगवाना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आपके लिए बहुत ही चीपेस्ट रेट पे एक कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आप वो हल्की सी छोटी सी अमाउंट पे करके वो कंप्लीट पैकेज अपने तक मंगवा सकें। और बेसिकली हम कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान दे रहे हैं और जो ऑल ओवर द ग्लोब भी हमारी डिलीवरी होती है, ठीक है, तो एडवांस पेमेंट में हम ऑल ओवर द ग्लोब करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल है। सो गाइस इंशाल्लाह फिर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी होस्ट रिजमा नवाल को और नजफ को दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।